हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स ये खड़ी अपनी पल्सर N160, आज इसका देंगे आफ्टर 6 मंथ ओनर से रिव्यू और कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव बातें भी बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, बताते हैं फिर। तो फ्रेंड्स ये खड़ी अपनी बाइक, तो इसको हम लगभग 5 से 6 महीना हो चुके हैं और इसको चला चुके हैं हम। ये देखिए कितना चला चुके हैं हम, चला चुके हैं अभी इसको चला चुके हैं 2166 किलोमीटर। और बाकी इतने टाइम में मेरे को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम आई है, वो आपको बताते हैं। देखिए बाकी बाइक फुल कंफर्टेबल है, कोई कमी नहीं है, पिकअप वगैरह एकदम हाई है। इसमें एक मेन प्रॉब्लम है जो इसका ये जो बैटरी प्रॉब्लम बहुत तगड़ा है, सेल्फ नहीं लगता अच्छे से अगर खड़ा कर दो एक दो दिन। इसमें मेन प्रॉब्लम जो है बैटरी प्रॉब्लम, बाकी पिकअप वगैरह और चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए और इसको इतने किलोमीटर चला चुका हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लगी है फिलहाल, पिकअप वगैरह भी बहुत अच्छा है। गाइस देखिए ये खड़ी अपनी बाइक, और इसमें बताते हैं बहुत लोग कि इसका चेन प्रॉब्लम है। मैं तो चला रहा हूँ, बोलते हैं चेन में बहुत आवाज़ आता है, तो गाइस आज तक इसमें मेरे को चलाने में चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वो तो देखो बिल्कुल सटा हुआ चेन, साला लगाओगे इसमें मोबिल लगाओगे तो कहाँ से ये आवाज़ तो करेगा ही, स्प्रे लगाओ चेन स्प्रे तब नहीं आवाज़ करेगा। चेन प्रॉब्लम का भी कोई मेरे में नहीं आया, बाकी कुछ लोगों में आ रहा है, देखा है मैंने वीडियो यूट्यूब पे, मेरे में तो आज तक नहीं आया है। और इसको देखो चेन प्रॉब्लम बोलते हैं लोग, और बहुत लोग बोलते हैं इसमें सेल्फ प्रॉब्लम है, सेल्फ प्रॉब्लम है मेरे में भी, सेल्फ नहीं लगता अच्छे से। और इसका बहुत लोग बोलते हैं कि MT का लुक कॉपी है, ये देखो कहाँ से MT का लुक कॉपी दिखता है, इसका प्रोजेक्टर इतना बड़ा है और MT का इतना छोटा सा है, इसका और MT का कोई नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। बाकी MT भी अच्छी है, बहुत अच्छी बाइक है, फिलहाल इस सेगमेंट में सबसे अच्छी बाइक यही है, अपाचे वगैरह टक्कर में नहीं है इसकी। और देखो और गाइस रही इसकी माइलेज की बात, माइलेज गाइस आज तक ये मेरे को दिए, ज़्यादा झूठ वगैरह नहीं बोलूँगा, 35 से 40 किलोमीटर का माइलेज दिए मेरे को ये, अगर 60 to 80 चलाओगे तब देगी इतना, अगर ऊपर चलाओगे तो कम ही देगी। माइलेज फिलहाल ठीक है और पावर भी तो इतनी अच्छी है, माइलेज कहाँ से ही देगा। ये देखो अभी सेकेंड सर्विस हुई है और सेकेंड सर्विस की कॉस्ट आई थी भाई 1000+ आया था, अभी थर्ड सर्विस हुई नहीं है, सेकेंड ही हुई है भाई, अभी कल परसों ही कराई थी। ये देखो तो गाइस अब इसके पॉजिटिव निगेटिव, मतलब पॉजिटिव तो पॉइंट बता दिए हैं कुछ, बाकी पॉजिटिव अभी और बताएंगे और निगेटिव पॉइंट इसका बताते हैं। इसका मेन निगेटिव पॉइंट जो है सेल्फ प्रॉब्लम, सेल्फ प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा करती है, अभी चेक कराते हैं आपको। सेल्फ आप लगाओगे लगता ही नहीं है, मैंने बहुत से लोग पब्लिक में बहुत से लोग बोले हैं कि मिले एक दो लोग बोलते हैं आपकी बाइक सेल्फ प्रॉब्लम करती है, सच में करती है भाई सेल्फ प्रॉब्लम, देखना सेल्फ प्रॉब्लम है इसमें भाई। ये देखो भाई ये सेल्फ प्रॉब्लम है इसमें यार, सबसे घटिया चीज़ यही लगी भाई इसकी। ये देखो अब स्टार्ट हुई है और बाकी इसको एग्जॉस्ट साउंड सुनाते हैं, एग्जॉस्ट साउंड सुनो। एग्जॉस्ट साउंड भाई बहुत तगड़ा है। और गाइस इसके ब्रेकिंग के बारे में भी बताते हैं, गाइस इस सेगमेंट में ना इससे अच्छी ब्रेकिंग किसी में नहीं मिलेगी, डुअल चैनल ABS है भाई, बहुत तगड़ी ब्रेकिंग है इसमें, अगर आप 60 की स्पीड में अगर आप ब्रेक लेते हैं ना आराम से रुक जाएगी, ब्रेकिंग बहुत अच्छा है इसका, डुअल चैनल ABS है, 300mm की डिस्क है भाई इसमें, देख रहे हो 300mm की भाई इतनी बड़ी डिस्क है इसमें, बैक की भी फिलहाल बड़ी है डिस्क। ये देखो ब्रेकिंग बहुत अच्छा है इसमें, आप भाई 50-60 स्पीड में अगर रोकोगे तो जस्ट तुरंत रुक जाएगा, ब्रेकिंग के मामले में भाई इस सेगमेंट में इसकी कोई टक्कर नहीं है। अपाचे वगैरह ना मैं चला चुका हूँ, मेरे पास है अपाचे लेकिन देखा इस इतने अच्छा ब्रेक नहीं है किसी में भाई। तो गाइस अब कर लेते हैं कुछ इसके लुक के ऊपर बात, गाइस इसका लुक ना एकदम अलग है, अगर निकलोगे ना पब्लिक में लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, अट्रैक्टिव लुक है इसका, बहुत अमेजिंग लगती है भाई सच में। मैं तो मॉडिफाई कराया हूँ, बाकी इसका DRL वगैरह ना भाई जब ऑन करता हूँ ना, आपको ऑन करके दिखा दूँ बोले तो, चलो ऑन करके ही दिखा देता हूँ, मॉडिफाई करा दी मैंने, इसका लुक भाई जहर है, इस सेगमेंट में ऐसा लुक तो कोई बाइक ना देती भाई, लुक चेक करो गाइस भाई इसका लुक ना बहुत हार्ड है, और इसमें
कुछ छोटी सी मॉडिफिकेशन कराई है, उससे इसका लुक और अच्छा लगता है। टेल्ट आईडी वगैरह रिमूव करवा दी थी, मड गार्ड वगैरह, तो भाई भाई लुक देख रहे हो, एकदम जहर लुक आ रहा है। बंद करते हैं आपको फिर बोलते हैं गाइस, अगर निकलता हूँ ना जिधर से भाई, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, इतना तगड़ा लुक है भाई इसका। लुक के मामले में इस सेगमेंट में भाई कोई ना पाएगा इसको। गाइस इसके हेडलाइट के बारे में बताते हैं, मैं नाइट में चलाया हूँ, ज़्यादा नहीं भाई चलाया हूँ, 50-60 किलोमीटर इसको मैंने चलाया नाइट में। इसके हेडलाइट जो इसका प्रोजेक्टर का भाई इतना तगड़ा है, थ्रो ना बहुत ज़्यादा अच्छा थ्रो है, आप देखोगे ना रोड पे पूरा एकदम साफ दिखेगा। इसका प्रोजेक्टर का थ्रो बहुत अच्छा है, हेडलाइट इसकी बहुत अच्छा थ्रो देती है, और DRL में भी बहुत अच्छा थ्रो है। मैंने मॉडिफाई करा दिया है इसलिए ना अलग लुक आता है, तो DRL का जो ब्राइटनेस कम हो गया इसलिए, बाकी इसका प्रोजेक्टर ना बहुत हार्ड ब्राइटनेस देता है। इस सेगमेंट में हेडलाइट जो है उसके मामले में भी कोई गाड़ी नहीं है। Apache मेरे पास उसका भी मैं देखा हूँ यार, हेडलाइट ना इतना अच्छा नहीं है, इसका हेडलाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस सेगमेंट में। हेडलाइट का थ्रो देखोगे तो आप भाई पगला जाओगे यार, हेडलाइट इतना अच्छा थ्रो है इसका। गाइस इसकी पॉजिटिव और निगेटिव बातें तो बहुत कर ली, अब सर्विस सेंटर का बताते हैं आपको क्या हाल है। सर्विस सेंटर पे ना भाई एक महीने पहले मेरा क्रेश हुआ था, तब मैंने ऑर्डर दे दिया था पार्ट का भाई, अभी इसका ना फुटरेस्ट नहीं मिला है, और फुटरेस्ट का एक और पार्ट गया था। ये देखो क्रेश हुआ था, ये डैमेज आया था, और ये देखो ये फुटरेस्ट टूट गया था, तो मैं Apache का फुटरेस्ट डाल रखा हूँ भाई। इतना भाई इतना कमजोरी है ना इन लोग का सर्विस सेंटर पर, भाई कुछ नहीं मिलता है। ये देखो ये पार्ट टूट गया था भाई, एक महीना हो गया अभी तक ना आया भाई, ये ऐसा ही पड़ा है फुटरेस्ट भाई, जब से टूटा है तब से ऐसे चलाते हैं काम, क्या करें भाई मजबूरी है। क्रैश हुआ था तो उसके बाद पार्ट मिल ही ना रहे हैं, तब तक ऐसे ही चल रहा है फिर। तो गाइस इसकी पॉजिटिव और निगेटिव बातें तो बहुत कर ली, अब आते हैं इसके ऑन रोड प्राइस पर। मैंने इसको कैसे लिया था, ये मेरे को पड़ी थी 1,60,000 की, और इतना अच्छा लुक मिल रहा भाई 1,60,000 में, मैं तो RS लेने जा रहा था, और भाई इसको देख लिया तो फिर यही ले ली 1,60,000 में। भाई इसका लुक भी बहुत अच्छा है, पिकअप वगैरह और जो मतलब बहुत अच्छी चलती है भाई, चलाओगे ना आप भाई दीवाने हो जाओगे इस सेगमेंट में। 160cc में भाई इसकी टक्कर पे कोई बाइक नहीं है, हाँ बस वो अलग है प्राइस वगैरह, अब प्राइस का डिफरेंस होगा। MT वगैरह तो भाई उसका प्राइस भी तो है 2,00,000 से ऊपर, और ये 1,60,000 की। गाइस वीडियो एंड करने से पहले आपको कुछ सिनेमैटिक चेक कराते हैं, देखिए है।